ठंडा लग रहा है। सो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जा रहे हैं ड्यूटी देने, क्या पता कल रात को कितना देर सोया है, क्या किया है, आइडिया नहीं है मेरे को। अब जाके ही वहाँ पे समझ में आएगा कि रात भर सोया था कि नहीं, तो जाके देख लेते हैं वहाँ पे पहले। देखो अगर खुशी को आराम मिला है रात को तो ठीक है, वैसे खुशी की मम्मी का ऑफिस था सुबह सुबह, मतलब स्कूल उनका खुल गया है, इसीलिए खुशी बोली थी कि करीब 11 बजे तक पहुँच जाने के लिए, तो थोड़ा जल्दी चल जा रहा हूँ। तो खुशी को अगर कोई काम वाम होगा तो वो कर लेगी और मेरा थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो जाएगा उसे। चलो चलते हैं घर डायरेक्ट। अभी सोया था रात को? रात को सो रहा था, उठ रहा था। मतलब वैसे फिर चिल्लाया नहीं तो जैसा? नहीं चिल्लाना, और शाम तक, मतलब शाम तक रात तक तो भूख लगा था उस वक्त, भूख लगा था, हो रहा था वही उस वक्त भूख लगा था। और वो तुम्हारा नहीं पी रहा था दूध, वही पाउडर मिल्क जब दी। ठीक, अब ठीक है, आज नॉर्मल रहेगा इसका। वही 2-2.5 घंटे का ही था। दो ढाई घंटा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो 15 ड्रॉप बोला था, तुम 8 ड्रॉप दी थी। अगर 15 ड्रॉप देती ना तो टान देता, परेशान नहीं करता। वही था इसीलिए वो 15 ड्रॉप क्यों लिखा था वो? क्योंकि जब वो रात को 2-2.5 बजे खेलने लगा, पैर वैर फेंकते, मैं तब बोली कि ना इसका दर्द खत्म हो गया, सब नॉर्मल, पैर तो फेंकना है। अचानक उड़ता है ये, नहीं वो हम भी देख रहे थे, बोला पेनलेस का मतलब एकदम ऐसा नहीं कि कोई पेन नहीं होगा, निडल पेन होगा, थोड़ा सा माइनर होगा कुछ देर के लिए, हाँ बट एकदम नहीं, बट साइड इफेक्ट्स इसका जीरो है, फीवर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इसका बदन में दर्द नहीं होगा, वो सब नहीं होगा। सर ठीक है, अब हो गया, आज जो है अब तो आज से नॉर्मल लाइफ, बैक टू नॉर्मल। समझ में आ गया है, एक बार देखे कि कितना देर तक क्या प्रॉब्लम होता है। 1 बज गया और मेरा जाने का टाइम हो गया और साहब जी सोए हैं। उठा दें क्या जाते आते? छोड़ो छोड़ो, इधर हिल ही रहा है, सब मारेगा पकड़ के उनको। और ये सब खुशी भी साफ सफाई में लग गई है। चलो टाटा मैडम, टाटा टाटा, जाओ तुम भी रेडी हो। आए थे हुडी पहन के और जा रहे हैं मोहब्बत का शाहरुख बन के। हुडी एक वायलेंस रिप चाहिए अंदर में रख के, नहीं हवा होने से भी गर्मी लगेगा, पैदल चल के जाना है ना, आते वक्त ही हमको गर्मी लग रहा था, इतना दूर जो आए उन लग रहा था गलती की है पहन कर। चलो चलते हैं। तो घर आके मेरा नहाना भी हो गया, नहा के तुरंत अभी लंच करने बैठ गया हूँ। लंच भी अकेले कर लूँ क्योंकि मेरे को अचानक ना अभी निकलना है एक मीटिंग के लिए गड़ियाहाट, तो लंच कर लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। देखें मीटिंग में ऐसा कुछ रिकॉर्ड वकॉर्ड करने का होगा नहीं, देखते हैं जो होगा आगे अपडेट किया जाएगा। उसके बाद फिर शाम को जाना है मेरे को खुशी के यहाँ, क्योंकि एक प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है उसको इंस्टॉल करना है। तो चलो लंच करते हैं, भागते हैं फटाफट। अभी 6:30 हो रहे हैं और गड़ियाहाट से मैं आ गया था कितने बजे, 4 बजे के आसपास आ गया था। और लंच चूँकि काफ़ी जल्दी किया था ना, तो शाम को भूख लगी थी और मैगी बनाया, क्वान्टिटी समझ में नहीं आया, मैगी बन गया ज़्यादा। बाबू भी डिनाई कर दिया कि नहीं खाएगा, तो यही खाना पड़ेगा, रात का खाना लगता है स्किप हो जाएगा मेरा क्योंकि मैगी कुछ ज़्यादा ही बन गया है। और अभी चाय भी बैठा हूँ, इसके बाद फिर चाय भी पीऊँगा, देखते हैं क्या होता है। और एक मैगी यहाँ पे आके सोई है, एक खाने वाला मैगी लेके बैठा हूँ और एक मैगी को यहाँ पे सुला के रखा हूँ। चलो मैगी खाते हैं, चाय पीते हैं। तो मैगी भी ख़त्म हो गया, चाय भी अपना आ गया है, अब चाय पी लेते हैं। वो डिलीवरी वाले बंदे से एक बार बात कर लेना होगा कि प्रोडक्ट आज डिलीवर होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो फिर बैठ जाएंगे थोड़ा काम करने, अदरवाइज़ मेरे को थोड़ा अलर्ट रहना होगा, जैसे ही कॉल आएगा मेरे को दौड़ के जाना होगा वहाँ। ये जो ड्रामा जैसा जो अपना कभी कभी शकल बना लेती हो ना, खुद तो पेट भर गया है। सो रहा हूँ अंदर, आ रहे हम खा के उसके बाद सोना आराम से। तो रात के बज रहे हैं अभी 10:15, डिनर हो गया हमारा और डिनर करके सोना आज थोड़ा जल्दी होगा, बिकॉज कल सुबह सुबह निकलना है खड़गपुर। अब वो किस लिए जा रहे हैं वो कल ही रास्ते में बात करेंगे। और डिलीवरी प्रोडक्ट का आज नहीं हो पाया, उनका भी बहुत सारा डिलीवरी था, इसलिए वो बोलते कि सर आज रात को नहीं हो पाएगा, कल सुबह सुबह कर दूंगा। तो एक्चुअली मेरा
मन था कि जब वो डिलीवर करें ना वहाँ पे रहें, और वैसे भी अभी खुशी के पास भी रहने का था क्योंकि सुबह सुबह वो खुशी की मम्मी स्कूल चले जाती है, तो एक दो घंटा थोड़ा सा एक सपोर्ट हो जाता, बट खड़गपुर वाला काम भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ जाना है मेरे को। थोड़ा कन्फ्यूजन था क्योंकि बिल्डिंग के काफ़ी सारे लोग तैयार थे जाने के लिए, लास्ट में हम लोग दो लोग हुए रेडी, तो वो करना भी ज़रूरी है, देख लेंगे। तो चलो आज ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मैं तुरंत सो जाता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल सुबह एक फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो आ तक देख लिया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बस ऐसे ही हंसते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, तब तक बाय, गुड नाइट, टेक केयर।